आ जाओ, अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन, तो इस पर ज़्यादा आंसर नहीं पड़ेंगे क्योंकि 3 मॉड्यूल पढ़ लिया एग्जाम के हिसाब से। तो कॉन्फ्लिक्ट, तो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज ए प्रोसेस दैट बिगिंस विद वन पार्टी परसीव दैट अनदर हैज नेगेटिवली अफेक्टेड इज अबाउट इज नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग। घुमा फिरा के दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब एक पार्टी जो बोल रहा है ना वो सामने वाले से सहमत नहीं है, और सामने वाला जो बोल रहा है वो ये पार्टी उससे सहमत नहीं है। तो इस तरह फिर दोनों में क्या हो जाएगा? डिस्कशन होते रहेगा ना, क्या होते रहेगा? बातें होते रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। साधा तो अभी कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा वाला आप लोगों को टॉपिक पढ़ने का सबसे पहला? तो सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने का फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल का मतलब होता है जहाँ कंपनी में काम होता है, फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे कि आप लोग कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका काम दिया है कि सेल्स कोई भी प्रोडक्ट आ जाए। तो अभी फर्स्ट हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या दिया है? शॉर्ट टर्म्स में आएगा, राइट? तो इधर दिया है 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो भी यही आंसर लिखेंगे, टास्क, रिलेशनशिप और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। वो टास्क का कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? दिस आर कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑकर विद रिगार्ड टू कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क। जो काम है ना उसके सबसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब जैसे कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग सोचे कि पास हो और थोड़ा 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाए, पर जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास में 3-4 लोग, तो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि भाई मैं इससे मार्क्स मेरा ज़्यादा आना चाहिए। तो उन लोगों का टास्क कॉन्फ्लिक्ट है। क्या ये जैसे 75 मार्क्स का पेपर है, कोई 65 लाया, कोई 62 लाया, 63, तो टास्क के हिसाब से। टास्क कॉन्फ्लिक्ट लो और मॉडरेट लेवल आर फंक्शनल, मीन्स बिकॉज सच कॉन्फ्लिक्ट एनकरेज डिस्कशन ऑफ न्यू आइडियाज रिजल्टिंग इनटू क्रिएटिविटी इंप्रूवमेंट इन द ग्रुप। मतलब लोग सोच रहे कि मैं टास्क अच्छे से करूँ उससे, तो टास्क अच्छे से करने के कारण इनमें और अच्छे आइडियाज डेवलप हो जाते हैं। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट के कारण रिजल्ट अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है ना। तो हाई लेवल ऑफ टास्क कॉन्फ्लिक्ट कैन बी वेरी डिसरप्टिव बिकॉज इट लीड्स टू इंटेंस आर्ग्यूमेंट। तो हाई लेवल ऑफ टास्क कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ना तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगा, और लो लेवल ऑफ टास्क कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो काम अच्छे से होगा, क्रिएटिविटी होगा, ये दिखने लगेगा। हाई डालने के और एक लो डालने लगे, तो होगा टास्क कॉन्फ्लिक्ट। काम करते करते कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। क्या दिया है? पीपल वर्किंग इन ए ऑर्गेनाइजेशन दे डेवलप अ सर्टन टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद देयर एम्प्लॉयज या एचआर, तो अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। तो जब रिलेशनशिप मैच नहीं होता है ना तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सामने वाला जो काम बोलेगा बॉस फिर इसका काम नहीं करेगा क्योंकि अच्छा जमता नहीं है, सुपीरियर क्लैश होता है। तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट यूजली डिसफंक्शनल, अलग अलग जगह से हो जाता है जो जमता नहीं। दिस इज बिकॉज इन रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट देर आर हॉस्टिलिटीज एंड पर्सनलिटी क्लैशेज, जलन होती है, पर्सनलिटी क्लैश होती है। दिस अफेक्ट द अंडरस्टैंड बिटवीन द पीपल एंड क्रिएट ऑब्स्टेकल। इसके कारण तू में होता है, बहस होता है, फिर वो लोग काम बराबर करते नहीं। तो किसके कारण? रिलेशनशिप नहीं बन पाता, जमता नहीं होता ना। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। द इश्यू एट द कोर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज हाउ द वर्क शुड बी डन, काम किस तरह होना चाहिए। तो सब लोग अपना अपना आइडिया देंगे, फिर सब लोग अपना अपना आइडिया देगा और किसी का आइडिया इंप्लीमेंट होता नहीं है। सब लोग सोचते कि ऐसा काम हो, वैसा काम हो, ऐसा करें तो जल्दी होगा। लोअर लेवल ऑफ प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट आर डिस्क्राइब एज फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ज़्यादा लोअर लेवल ऑफ प्रोसेस, ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा प्रोसेस तो फंक्शनल बराबर से नहीं होगा। इफ प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट बिकम इंटेंस दैन दे बिकम डिसफंक्शनल, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये 3 टाइप्स के क्या थे तुम्हारे? कॉन्फ्लिक्ट्स है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। और उसके बाद मेन क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। तो उसके अलग अलग प्रोसेस ये हम लोग 2 पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ ऑपोजिशन और एक इंटेंशन। तो पहले पोटेंशियल अपोजिशन पढ़ता हूँ। इसमें क्या बताया मालूम है? द प्रेजेंस ऑफ सर्टन कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन इज एसेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट और अकर। दिस कंडीशन मे नॉट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बट देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कैसा है ना, अपोजिशन अकेला है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। जो मन में वही काम करेगा ना, पर एक ही काम के लिए 2 लोग हैं तो बोलेगा ऐसा कर, वो बोलेगा ऐसा कर, बोलेगा इधर चला, बोलेगा उधर जा, गाड़ी चला, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? आ सकता है। तो कैसे इधर क्या देना है? द डिफरेंट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। तो कम्युनिकेशन देना, मतलब कम्युनिकेशन दैट लैक्स क्लैरिटी, मतलब जिस कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बराबर नहीं होती है, डिस्कशन बराबर नहीं होता है, हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, बस इतना ही बात हो जाता है ना, तो उधर रह के फिर क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। क्या पैदा होता है? तो जैसे सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बराबर नहीं गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जारगन का वर्ड यूज़ किया। किसका जारगन? मतलब टेक्निकल वर्ड। कौन सा वर्ड? अभी टेक्निकल वर्ड का मतलब होता है, अभी जैसे कि बोला ले घोड़ा, ले उसके सर पे मार, घोड़ा ले उसके सर पे मार, तो घोड़ा मतलब जानवर को सोचेगा, जानवर को कैसे उठा के मारेगा, घोड़े का मतलब बंदूक होता है ना, वो टेक्निकल टर्म किसको समझेगा? जो उस चीज़ से फैमिलियर हो, जानवर का। तो ऐसे वर्ड कंपनी में यूज़ करेंगे, मतलब जो जॉब के रिलेटेड, एम्प्लॉय को नहीं समझेगा तो बस काम नहीं कर पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। क्या हो गया?
जब कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल, क्या दिया है स्ट्रक्चरल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीईओ है, सुपरवाइजर है, एम्प्लॉयज है। अगर स्ट्रक्चर बराबर नहीं रहेगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, कोई भी आके काम दे रहा है, कोई भी आके चिल्ला रहा है, कोई भी आके बोले काम करो वो काम करो, तो स्ट्रक्चर बराबर नहीं रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। और स्ट्रक्चर वेल डिजाइंड रहेगा, अच्छा रहेगा, सिस्टम में रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स क्या दिया है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिफर इन द वे दे, मतलब वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या एक्ट करता है। While we are able to get on wonderful with some people, we simply cannot stand sight of these some people. We dislike their voice. मतलब कैसा है, कभी कभी इंसान अपने गुरूर में अपने आपको अच्छा समझता है, सामने वाला कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा स्पीकर हो, उसको इग्नोर करता है। तो किसकी पर्सनलिटी अच्छी नहीं लगी ना, वो उसको इग्नोर कर देता है। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ये कौन सा है, पोटेंशियल ऑफ अपोजिशन, कोई सामने से फोर्स आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसमें तीन पॉइंट डाल देने का, राइट है ना। ये कौन सा पढ़े, पोटेंशियल अपोजिशन। अब एक इंटेंशन पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंटेंशन, इंटेंशन लिख के आएगा, राइट। इंटेंशन क्या था, डिसीजन टू एक्ट इन ए गिवन वे, और डिसीजन टू एक्ट इन ए गिवन, मतलब जैसा बोला वैसा करना चाहिए। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट प्ले वाइटर रोल, मतलब इंटेंशन के कारण कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता भी वो पढ़ेंगे हम लोग। इंटेंशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज हाउ द पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट इनफर ईच अदर इंटेंशन विल डिटरमाइन हाउ दे विल रिस्पॉन्ड, मतलब आपका सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है, इंटेंशन आप क्या इरादा क्या रखते हो। अब इसमें कैसे दिया है, तो डिपेंडिंग ऑन दी लेवल ऑफ कोऑपरेटिवनेस एंड असर्टिवनेस, कोऑपरेटिवनेस मतलब एक साथ आना, पॉजिटिवनेस मतलब पॉजिटिव होना, तो अलग अलग चीज़ निकल के आई। तो इसमें पांच कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग है, मतलब इस तरीके से अपन कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो पहले दिया कॉम्प्रोमाइजिंग, क्या दिया है, कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज अकर बिकॉज बोथ द पार्टी गिव अप समथिंग एंड एग्री टू शेयर समथिंग, मतलब दोनों पार्टी ने कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस किया है उसके बदले कुछ चीज़ को स्वीकार किया, दोनों ने सेक्रीफाइस किया उसके बदले कुछ मिला है, तो कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़। कम्पिटिटिंग मतलब अ पर्सन इज कम्पिटिंग इंटेंशन टू असर्टिव बट नॉट कोऑपरेटिव, असर्टिव है, असर्टिव का मतलब होता है सेटिस्फाइज ओन कंसर्न, अपने जो खुद को जम रहा वो कर रहा है पर कोऑपरेटिव नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं है, मतलब जैसे कि ज़रूरत है तो आया काम के हिसाब से, ज़रूरत खत्म मतलब निकल निकल जाएगा, तो कम्पिटिटिंग। और अवॉइडिंग में क्या करता है, पर्सन विद एन अवॉइडिंग इंटेंशन इज बोथ, ना वो अपने लिए सोच रहा है ना तुम्हारे लिए सोच रहा है, ना ग्रुप के लिए सोच रहा है ना कुछ, अवॉइड करना है, क्या करता है वो। और अकोमोडिंग मतलब एडजस्ट करना, क्या करना, कोऑपरेटिव है, ग्रुप को एडजस्ट कर रहा है, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अकोमोडिंग एडजस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। और कोलैबोरेटिंग मतलब इसमें दोनों होता है, अपना भी सोच रहा है ग्रुप का भी सोच रहा है, कोलैबोरेटिव, चलो ठीक है भाई इनके साथ रहेगा तो फायदा रहेगा ना, जैसे झुंड में जानवर एक साथ जाते हैं जंगल में, क्योंकि अकेले रहेगा तो कोई भी शिकार कर ले, झुंड में रहेगा तो बच्चे रह सकते हैं ना, कोलैबोरेट होना, क्या होना, ऐसे टेबल डायग्राम बना देंगे तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो इंटेंशन था, कौन सा था, ये पढ़ना और डायरेक्ट एक नेगेशन पढ़ा के रुक जाता हूँ। हाँ जी, नेगोशिएशन का प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग लास्ट आंसर, बाकी का पढ़ लेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो नेगोशिएशन मतलब डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन मतलब बार्गेनिंग तरह से ना, कोई भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता है। तो नेगोशिएशन में अलग अलग स्टेप दिए थे, तो पहला स्टेप क्या दिया है, प्लानिंग, क्या दिया है, प्लानिंग। नेगोशिएशन करने से पहले प्लान करो, होमवर्क करके कि क्या चीज़ पे तुमको अड़े रहना है, क्या नेगोशिएट करना है। कुछ प्लान नहीं करे तो 100 का बदले तुम 150 दे के आ जाएंगे, तो जो चीज़ नेगोशिएट कर रहे हो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या करो, प्लान करो, क्या करो, क्या गोल है मालूम होना चाहिए, है ना। अ गुड नेगोशिएटर ऑल्सो थिंक्स अबाउट द एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या है, रूल्स बना के रखो, क्या बना के रखो, ये सब काम करना है वो सब नहीं काम करना है ना, इस यही दायरे में नेगोशिएट करेंगे, इसके दायरे में नहीं जाएंगे, राइट, रूल्स बना के रखना। फिर क्लैरिफिकेशन देखो, सामने से रिप्लाई लो, जस्टिफिकेशन करो, आंसर लो, मतलब फीडबैक लो, रिप्लाई लो, है ना। और फिर बार्गेनिंग करना, क्या करना है, और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बार्गेनिंग करके क्या करेंगे प्रॉब्लम, फिर फॉलोअप करेंगे, ठीक है, मतलब फाइनल टेकअप डन कर देंगे, जो चीज़ पर नेगोशिएशन हो गया उस पर राजी हो जाएंगे ना। ये पाँच तरीका है नेगोशिएशन का, है ना। तो क्या प्लान करना है, रूल्स बना के रखना है, क्लैरिफिकेशन रखो सामने, और बार्गेनिंग करो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और फिर क्लोजर करो, ठीक कर दो ना, एग्रीमेंट बना के डन कर दो। तो इतना ही पढ़ना है, ठीक है।